Hey guys, welcome to my channel. So today video is going to be very interesting. इस वीडियो में मैं आपको रैनन प्लस कॉक्सकॉम डेफोडिल फ्लावर, जिसको हम राधा कृष्ण फ्लावर भी बोलते हैं, वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, सो उसकी अनबॉक्सिंग से लेके प्लांटेशन तक मैं पूरी वीडियो बताऊंगी. सो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो को शुरू. तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो रेनन क्लस फ्लावर के बल्ब थे जो हमने ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किए थे, अब वो पहुंच गए हैं और अब हम इसकी पैकिंग को खोल के देखेंगे. हमने मल्टी कलर के जो है पांच की पैकिंग थी, ये पांच फ्लावर बल्ब की पैकिंग थी. और ये देखिए, अब ये स्किनर पैकिंग को खोल लिया हमने और देखिए इस टाइप से होते हैं ये रेनन क्लस फ्लावर के बल्ब. ये देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने दूसरा फ्लावर के बल्ब ऑनलाइन मंगवाए थे अमेजोन से, अब हम उसकी पैकिंग ओपन कर रहे हैं. ये राधा कृष्णन फ्लावर के बल्ब मंगवाए थे, इसको डैफोडिल भी बोलते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है इसके पैकेट में लिखा हुआ है बाहर डैफोडिल. तो ये दो बल्ब की पैकिंग थी. चलो देखते हैं अभी ओपन करके. ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से होते हैं ये राधा कृष्ण फ्लावर के बल्ब, बिल्कुल प्याज की तरह लगते हैं देखिए. सो फ्रेंड्स, ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस फ्लावर इज गिवन ऑन दिस साइड. और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोट आपको दिख रहा है ये हमने घर में खुद तैयार किया है वेस्ट मटेरियल से. ये एक प्लास्टिक का डब्बा था जिसको हमने काट के पोट बनाया है, और इसमें जो हमने छेद किया था वो सो दैट प्रॉपर पानी से ड्रेन होता रहे, इसलिए किया था. और इसमें एक पत्थर रख देंगे हम छेद के ऊपर, ताकि जो आपका पानी है वो एक साथ ना निकल जाए जब आप इसमें वाटरिंग करोगे. सो प्रॉपरली ड्रेन होता रहे पानी, उसके लिए हमने इस होल के ऊपर पत्थर रखा था. और इस तरीके से पोट को मिट्टी से भर देंगे. इसमें जो है हमने पहले से मिक्स कर लिया था थोड़ा सैंड रेत और सूखा जो गोबर होता है और सूखी मिट्टी. और अब हम इसको देखिए, ये डैफोडिल फ्लावर के जो बल्ब हैं उनको रख देंगे इस तरीके से जब आपका पोट इतना भर जाएगा मिट्टी वगैरह से. और अब इसमें देखो फिर से मिट्टी डाल देंगे हल्की हल्की, इतने इतने हिस्से में इसकी मिट्टी डाल देंगे. और थोड़ा सा हिस्सा इसका जो है वो निकला होना चाहिए इस तरीके से, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है. सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें वाटरिंग कर देंगे इस तरीके से, हल्के हल्का पानी का छिड़काव कर. सो देखिए फ्रेंड्स, अब हम जो कॉक्सकॉम के हमने सीड ऑर्डर किए थे उनके अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं. ये देखिए, इसमें 60 सीड्स मिलेंगे कॉक्सकॉम फ्लावर प्लांट के, और ये मल्टी कलर में होगा आपका, जिसमें फूल खिलेंगे वो मल्टी कलर के होंगे देखिए. और ये देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको कॉक्सकॉम के सीड देखने को मिल जाएंगे. अब हमने ये पोट पहले से तैयार कर लिया था मिट्टी फिल करके, अब हम इसमें जस्ट इसको डालेंगे. और उसके इसके डालने के बाद इसके ऊपर फिर से एक मिट्टी की लेयर ऐड कर देंगे हल्की हल्की. ये देखिए, इस टाइप से हल्की हल्की मिट्टी डाल देंगे और उसके बाद इसमें पानी का छिड़काव कर देंगे. देखिए फ्रेंड्स, रेनन क्लस के जो बल्ब हैं उनको पोट में लगाने से पहले आपको इस तरह बल्ब को जो है वो पानी में भिगोकर रखना है 12 घंटे के लिए. और देखिए इनका साइज़ कितना बड़ा हो चुका है, हमने ये पानी में भिगोकर रख दिए थे और अब ये 12 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब हम इनको पानी से निकाल देंगे
देखिए फ्रेंड्स, इनको अब हम पानी से निकाल देंगे और 1 घंटे के लिए ऐसे सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद जाके इनको हम पोट में लगाएंगे। तो गाइस देखिए, अब हम इस मिट्टी को पोट में डाल देंगे जो कि हमने रेनुनक्यूलस के लिए रखा था। इसमें हम सिर्फ 3 जो रेनुनक्यूलस के बल्ब थे उनको लगाएंगे, बाकी जो 2 बच जाएंगे उनको किसी और पोट में लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मिट्टी से इस पोट को फिल कर देंगे और फिर इसमें रेनुनक्यूलस के बल्ब को लगा के उसको पूरा मिट्टी से कवर करके पानी का छिड़काव कर देंगे हल्का हल्का। सो गाइस, ये जो 3 फ्लावर्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, जब ये बाद में ग्रो करेंगे और इसमें फ्लावर्स लगेंगे तो मैं इसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगी, सो दैट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चले कि ये इसमें किस टाइप के फूल लगे हैं, और जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं पक्का आपको बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो बना के, जब ये प्लांट पूरे अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। अभी तो हमने देखो इनकी प्लांटेशन कर दी है। सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो।